ना तो एमएलए को इंटरेस्टेड है, ना इन्हों का मंत्री को इंटरेस्टेड है, सीएम का इंटरेस्ट कोई नहीं, रंग इन्होंने सारे ने दस्तारा पे बदल रहे हैं। असी सुने सारे बजट के बहुत वही सू नगोशी हुई क्योंकि बजट के कच्चे पान है ही कोई देखो किन्ने शहीदा ने आप पर इन्हों के 92 एमएलए हाउस के 48 एमएलए 92 के 48 50% इन्हों के 14-15 मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के अलावा कले 8 अच्छा भी अच्छे चीफ मिनिस्टर जिन्ना चेर भी हरपाल सिंह चीमा बोले वो 10 मिनट बैठे हो भी गए पीढ़िया पगा जो 92 सन अज मैं गिनती की 7 है सवेरे भी कुछ प्रेस के साथियों ने उसी दसिया सी फैसला तो साढ़े वास्ते एक मुश्किल फैसला सी कि पहले ही पार्टी ने फैसला किया सी कि सीएम पंजाब नू जिस किस्म दे दा रवैया सी कि फैसला ऐसी कि दा बायकॉट किया है जदों भी हाउस चाहेगा असी उठ के चले जावांगे बट पंजाब दे इंटरेस्ट नू मद्देनज़र रखते हुए विशेष तौर हर सैक्शन पंजाब दा जिहड़ा भावें किसान होन खेत मजदूर होन भावें छोटे दुकानदार होन भावें साडे इनप्लॉयड अनइम्पलॉयड यूथ होन भावें सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारियों की गल होए हर वर्ग की आस उम्मीद सी कि कांग्रेस जिहड़ी मेन ओपोजिशन है हर वर्ग की गल तो सूबे की गल रखे इस गल कारण मैं समझना बहुत वड्डा फेलियर स्पीकर पंजाब जिन्हां दी असी बहुत इज्जत मान करने क्यों ते पार्लीमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर निज्जर जिहड़े ने देखो हमेशा सरकार ते ओपोजिशन दे विच स्पीकर ते पार्लीमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जिहड़ा हुंदा इह पुल दा काम कर किते भी मतभेद आंदे ने हमेशा ही आंदे ने पार्लीमेंट च मैं वेखदा रहा असैंबलियां च वी वेखदा रहा बड़े सीरियस मतभेद आंदे ने बट फिर स्पीकर इंटरवीन करता पार्लीमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इंटरवीन करता सुखावे माहौल बनाता कि जिस मकसद वास्ते विधानसभा बनिया नवे कानून लियाण वास्ते ते लोकां दी आसा उम्मीदा ते उतरन वास्ते उत्थे चंगा माहौल बन सके बट अनफॉर्चुनेटली सानू यह कहना पैंदा ना स्पीकर साहब ने कोई पहलकदमी की ना पार्लीमेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने की इनस्पाइट ऑफ दैट क्योंकि अज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है असी बजट में पार्टिसिपेट करने वास्ते आए हैं सारा बजट असी सुने है। सारे बजट के बहुत वड्डी सानू नमोशी हुई क्योंकि बजट के कढ़न पाउण नू है ही कुछ नहीं जिस तरह मेरे साथी ने पहले तो दस्सिया 75 साल दियां सरकारां ने कर्जा जाड़िया 2,75,000 करोड़ जे 5 साल कट गए जिहदे ते बहुत वड्डा प्रश्न चिन्ह है जे 5 साल कट के कितने मिनीमम जिस एवरेज ने चल रहे हैं तकरीबन 2,00,000 करोड़ रुपया कर्जा होर हो जाए सो ये क्लोज टू 500,000 ये तकरीबन 5,00,000 करोड़ के कर्जे तक कर्जाई करके ये पंजाब नू जाण वाले लोग ने बिल्कुल ठीक मेरे साथी ने जिक्र किया सारे नालों पहली जिहड़ी गरंटी सी देखो दो गरंटीज़ ने एक साड़ी नौजवान बच्चियां नू साड़ियां पैणां नू साड़ियां मातावां नू इहना वादा कीता सी कि गवर्नमेंट शुरू होंदे पहले हफ्ते तो ही असी 1,000 रुपया तुहानू सोशल सिक्योरिटी दे रूप विच देवांगे एक भी शब्द इस जिहड़ा इह बजट है इहदे विच एक भी शब्द हरपाल सिंह चीमा ने उस सैक्शन प्रति जिस सैक्शन ने इन्हों सरकार लैके आता सत्ता च लैके आता एक शब्द दूजी गरंटी अरविंद केजरीवाल की कि 20,000 करोड़ रुपया असी तुहानू माइनिंग चो दांगे एक शब्द माइनिंग दा नहीं तो मैं तुहानू दसना चाहना 135 करोड़ रुपया पहले साल च आया तो पुराने सारे ही उही ठेकेदार जिन्हों कहिंदे सी वड्डे माफिया जिन्हों का जिक्र करते सी उन्हां नू ठेके दे दिंदे ना कोई किसानां वास्ते दे विच तुसी हैरान होवोगे
जिहड़ी ओल्ड एज पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, विधवावां दी पेंशन है, अंगहीन बच्चों की पेंशन है, आशीर्वाद स्कीम है गरीब बच्चियों की। कांग्रेस की सरकार ने 21,000 तो 55,000 रुपया शादियों का शगन स्कीम दे असी देंदे सी। पिछले एक साल का एक रुपया ना इस बजट च कुछ बोले ने, एक रुपया नहीं दिता। पेंशन असी 500 तो 750 की 1200 की, अज इन्हां दी गरंटी सी कि असी 1200 तो वधा के 2500 करांगे, एक शब्द उहदे उत्ते है। सो एक टोटली पेडेस्ट्रियन बजट है। इस बजट विच कुछ नहीं, लोगों दी आसा उम्मीदा बिल्कुल चकना चूर कर दित्तियां ने। ना किसी की जिंदगी महफूज, ना किसी का कारोबार महफूज है, ना इंडस्ट्री महफूज है। ये इत्थे समिट करदे ने ते इंडस्ट्रियलिस्ट वड्डे जिहड़े ने ओह यूपी वल ते गुजरात वल कूच करन दी कोशिश करदे। मैं एक बड़ा इंट्रस्टिंग फैक्ट गल करके फिर सत सुखपाल सिंह खहरा गल करनगे। अज तुसीं वेखो किन्ने संजीदा ने आप वाले, इन्हां दे 92 MLA विचों हाउस दे विच कल्ले 48 MLA आजाद सी, 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 48 50% ਇਹਨਾਂ ਦੇ 14-15 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਚੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲੇ 8 ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਪੀੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 92 ਸਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ 7 ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ। ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਪਥਪਾਓ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੌੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਥਪਥਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਯੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਏ। ਆਹ ਸਮਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਈਡਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, CM ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸ ਉਮੀਦ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ